जय हिंद। चैप्टर 10 है अप यू गो और आज की एडवेंचरस एक्टिविटी है क्रॉसिंग द रिवर। संगीता मैम ने कैसे रिवर क्रॉस की, लेट्स फाइंड आउट। अभी वो 5 फरवरी 1984 को अपनी डायरी में लिख नोट डाउन कर रही हैं। वी गोट विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आर ब्रेकफास्ट। अब विटामिन सी आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क क्यों दिया जाता है, बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। देयर आर टू रीजंस दैट आर मेंशनड हियर। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, वी टाइड आर बैंडेजेस एंड काउंट द डेज लेफ्ट। और मेडिकल चेकअप होता है और हम अपना डेज को काउंट करते हैं। सी हाउ वी हैव टेकन द पैक्ड फूड। ये सब कुछ हमारे रक्सेक में होता है और हम ये खा पी कर ही अपना जो एक्टिविटी है, एडवेंचरस एक्टिविटी, उसको करते हैं। बट बिफोर दैट, बिफोर स्टार्टिंग, वी हैव ए मेडिकल चेकअप दैट आई टोल्ड यू। एंड इन मेडिकल चेकअप एवरी वन इज ट्रीटेड लाइक ए पेशेंट एंड वी सी वेदर द पर्सन इज फिट और नॉट, एबल टू कंप्लीट द टास्क और नॉट। After an 8 किलोमीटर ट्रैक we reached a river. अब 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद ऐसे रिवर पर पहुंच जाते हैं। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। अब इन्होंने बताया जैसे दोनों तरफ जो है रिवर के, आप देख सकते हो, अगर इफ यू वॉन्ट टू स्विम इन द रिवर दैट इज नॉट अ पॉसिबल, बिकॉज जो रिवर का फ्लो है बहुत तेज है, आइस कूल वाटर है, वी कैन नॉट स्विम। तो हमको ऐसे रस्सियाँ बांधनी हैं एंड वी हैव टू मैनेज आर सेल्फ। तो बताया है देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अदर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स और पिस्टन्स ऑन द बोथ द साइड्स। अब देखिए जो ये रस्सी जो बंधी है, जो रोप बंधी है, स्पेशल नाइलॉन की रस्सियाँ होती हैं, हार्ड होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं, उनमें से हमको ऐसे, आप देख सकते हो कि बड़ा एडवेंचरस होता है ऐसे जाना, अपने आप को कंट्रोल करना। पैग्स और पिस्टन से बंधी रहती हैं एंड वन बाय वन दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। अभी क्या है, पैग्स और पिस्टन्स, ये देखिए ये पैग्स हैं, इनको पैग्स बोलते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के पिस्टन हैं। ये पिस्टन जो है, जो आपका चट्टान है, माउंटेन, उसके अंदर फंसा दिया जाता है ताकि ये किसी भी रस्सी को होल्ड कर सकें। ये पिस्टन है बच्चों, और अलग अलग टाइप के पिस्टन होते हैं, ये सभी पिस्टन हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माउंटेन या फिर रॉक, उसमें जिस शेप की माउंटेन होती है उसके हिसाब से हम पिस्टन को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि ये अलग अलग माउंटेन्स पर अलग अलग पिस्टन्स लगा दिए जाते हैं। तो आई वॉज फीलिंग नर्वस एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग वट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। अभी पिस्टन लगाने के बाद देखना पड़ता है कि रिवर कितनी वाइड है, बिकॉज वी कैन नॉट अज्यूम दैट वी आर अलाइव इफ वी आर फेलिंग डाउन। सो वट वुड हैपन नेक्स्ट, सी। आर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट। अब ये देखिए, ऐसे जो इंस्ट्रक्टर थे, एम वाला पोर्शन, एम वाली फ़ोटो जो लेफ्ट में है, पहले ऐसे बांधा, फिर एन वाले पे बांधा, फिर ओ, देखिए कैसे इसने नोट तैयार की है, और फिर पी, ये स्लिंग बांध दिया है। अब ये होता है आपका स्लिंग, ये आपको अटकाए रखता है, कितना भी आप फोर्स लगा लोगे ये खुलेगा नहीं। ये स्लिंग होता है, दोनों तरफ से सेम होता है, बीच में एक नाइलॉन का बैंड होता है। ये पत्थरों को ऊपर जो लगा है वो पिस्टन लगी हैं, मैंने आपको बताया था रॉक्स में पिस्टन फिट कर दी जाती हैं। फिर येलो जो हमारी रोप है उसके ऊपर स्लिंग लगा है और नीचे स्लिंग लगा है। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से बांध ली जाती है, और फिर हम कितना भी वजन इस पर डाल लें, वी आर एबल टू कंट्रोल इट। अब देखिए ये तीनों ऊपर तीनों पिस्टन लगे हैं, फिर तीन यहाँ पे स्लिंग लगी हैं और नीचे एक स्लिंग लगा है। तो इस तरीके से हम रस्सी को, तो ये ऐसे मास्टर रस्सी बांधी जा सकती है कि एक से ज़्यादा आदमी भी इसको पकड़ के आराम से क्रॉस कर सकें। तो इसकी ज़रूरत कहाँ होती है अभी आपके बताएंगे। सो अब उनके वेस्ट पर ऐसी बांध दी गई थी,
He then put the sling on the thick rope tied across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. Nobody was ready to step into the fast moving water. अभी कहा देखिए, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसे जो पानी चलता हो जितना तेज उसमें से हम निकलें। तो आप देख सकते हो विड्थ कितनी है, तो कोई आगे नहीं आया फ्रंट में कि मैं क्रॉस करूंगा रिवर या मैं क्रॉस करूंगी रिवर, बिकॉज एवरी वन इज़ स्कैर्ड ऑफ द आईसी वाटर। तो नेक्स्ट सी व्हाट हैपन, एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वुड वन सी मी। अब ये जो संगीता मैम थी वो बिल्कुल लास्ट में खड़ी थी और सोच रही थी कि मुझको तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो जस्ट देन आर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स, आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। तो उनके इंस्ट्रक्टर जो थे उनके हाथ में स्लिंग थी और रोप थी, उन्होंने इनको पॉइंट आउट किया और कहा चलिए। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज, ये मैंने आपको बताया था, रेडी तो होना है बट करेज नहीं है, इट मीन्स आप विलिंग नहीं हो, फोर्सफुली आपको करवाया जा रहा है। सर कुड गेस माय फियर्स, आई कॉल्ड आउट लाउडली, थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम। तो अब उनके लिए चीयर अप हो चुका था एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। तो जब भी इनको किसी ने पुश किया और ये जो संगीता मैम थी वो रिवर को क्रॉस करने के लिए आगे आ चुकी थी। अब क्या हुआ, आई फेल्ट एज माई फीट वर फ्रोजन, अब इनको ऐसा लगा कि जैसे इनके जो पैर थे वो बिल्कुल फ्रोज हो चुके हैं। अगर आप रेफ्रिजरेटर में भी फ्रिज में भी अगर आइस निकालना चाहोगे तो आपका हाथ बड़ा अच्छे से फील करेगा ठंडा ठंडा, और थोड़ी सी देर बर्फ़ पकड़ लोगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी देर से पकड़े हुए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग, आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग मी माई फीट फ्रेमली ऑन द रिवर बेड। अब वो जैसे जैसे नीचे पानी बह रहा था और ये कांप रही थी, पैरों को मार रही थी पानी में, तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। एज आई वॉक्ड फर्दर इन द रिवर गोट डीपर एंड स्लोली द वॉटर रीच्ड अप टू माई नेक। अब सोचिए रिवर ऐसे लेट के क्रॉस कर रहे हैं और इनके नेक तक पानी पहुँच चुका है। अब देखना नेक तक पहुंच गया तो मतलब आपको कोई बचाने नहीं आएगा वहां पर, उस टाइम पे आप अकेले ही हो। तो इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माय बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग, अब वो स्लिप होने लग गई हैं क्योंकि बैलेंस गुम हो गया है। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। अब जिस रस्सी को वो पकड़े हुए थे, ये देखिए रस्सी है ऊपर, वही रस्सी इनसे छूट जाती है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये स्लिंग लगा हुआ है, तो होपफुली कुछ तो चांसेस हैं, लेकिन इनको याद नहीं रहा। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर बट नो आई फाउंड दैट आई वॉज, क्या हुआ इनके साथ नेक्स्ट सी, बट ये काफ़ी डेंजरस है, टाइड विद अ रोप टू द स्लिंग। अब देख सकते हो कि ये जो रोप है ये स्लिंग से बंधी हुई है इनके वेस्ट पर, इनकी कमर पर, उन्होंने इसको बचा लिया। होल्ड द रोप आई कुड हियर द शाउट्स, आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल्ड माई सेल्फ फॉरवर्ड। तो इनकी कोशिश थी तो ये बच गई, इन्होंने पकड़ लिया था। स्लोली विद सम करेज आई रीच द रिवर बैंक, अब उन्होंने रिवर अपनी क्रॉस कर ली है। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा जब जैसे ही वो रिवर से बाहर निकली, वो पार कर लिया उन्होंने, हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, तो खुश तो होते ही हैं, वी ऑल्सो हैप्पियर। तो नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली, आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज। जब भी आप कोई नया चैलेंज फेस करते हो और आप उसको सक्सेसफुली करते हो तो एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, दैट बिल्ट मैनी थिंग्स। फाइंड आउट एंड राइट वट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, तो कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको यूज करने होते हैं जब आप माउंटेन्स पर उसको क्लाइंब करते हो, तो स्लिंग है, पिस्टन है, रोप है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो।
Have you ever seen a hook and rope being used for anything else? Where hook or rope आपने कहीं देखा है तो please tell me. What else can we use if we want to cross a river in the mountains? हमको क्या क्या करना पड़ेगा अगर हमको माउंटेन पर रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी. सेम एज वी हैव सीन इन द चैप्टर वी नीड टू लाइक दिस. वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? येस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई वी नीड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी? बिकॉज एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू कम्प्लीट द टास्क, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है एंड वी नीड मच एनर्जी, मच स्ट्रेंथ. तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज डन समथिंग एडवेंचरस? वॉट तो अपनी एडवेंचरस एक्टिविटी यू हैव टू टेल. हैव यू एवर डन एनी थिंग एडवेंचरस? इफ येस टेल योर क्लास तो दैट यू कैन डू. नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग. अब वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 1600 meters. तो हाइट पर है काफ़ी. आर रक्सेक हैड ऑल दैट वी मे नीड. हमारा जो बैग था रक्सेक, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, उसके अंदर सब कुछ था दैट वी नीड. फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉल, सोप, विंड चीटर, विशल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स. तो सब कुछ होते हैं पैक्ड फूड पैकेजिंग में. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. एंड वट आर द स्टेप फील्ड्स वी टेल नाउ.